हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है कौन सा दिन है? आज है बुधवार। तो आज का व्लॉग मैं आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ और आप देख रहे हैं कि मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। रीज़न ये है कि मेरी आयशा नहीं आई है तो, और उसने मुझे कल फ़ोन भी नहीं किया था। वैसे मुझे वो फ़ोन कर देती थी, पता नहीं आज उसने फ़ोन नहीं किया, तो उसी के भरोसे सारा काम घर का छोड़कर मैं चली गई। नहीं तो मैं किचन जो है वो समेट के जाती और इस करके मेरे पूरे घर का काम पूरा वैसे ही पड़ा हुआ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब पड़ा हुआ है। और अभी 12:15 बज रहे होंगे तो मैं किचन में हूँ और सबसे पहले मैंने बर्तन साफ़ करने का ही सोचा, क्योंकि किचन साफ़ होने के बाद ही मैं खाना बना सकती हूँ, दोपहर का लंच बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे कान्हा का भोग बनाना है। तो ऐसे किचन में तो मैं बनाऊँगी नहीं, तो बस ऐसे ही मैं बर्तन पहले जो भी जूठा होता है ना, बर्तन पहले साफ़ धोकर निकाल लेती हूँ और उसके बाद में मांजती हूँ। और सिंक को साबुन से साफ़ करने के बाद, अच्छे से धोने के बाद बर्तन मांज मांज के उसमें रखती जाती हूँ और उसके बाद बास्केट में धोकर रख देती हूँ। तो मैं इसी तरह बर्तन साफ़ करती हूँ। मेरी आयशा क्या करती है, जैसे जैसे बर्तन धोती है स्टील रैक में वो लगाती जाती है, जिसकी वजह से रैक में पानी का दाग पड़ गया है। बट मेरी आदत है कि मैं ज़्यादा रोक टोक नहीं करती हूँ। महीने में 15 दिन में मैं एक बार खुद से ही सारा किचन और जो सामान साफ़ करना होता है वो मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। जितना वो मेरी हेल्प करती है ना, वो मेरे लिए बहुत है। ये देखिए मेरे यश बाबू आ गए स्कूल से। पानी दे दो। पानी भी दे दो? हाँ। चलिए आपके कपड़े चेंज करती हूँ। पानी दे। पानी इसमें है। हाँ। तो जा रहे इसके कपड़े चेंज करने, इसमें पानी है। बापरे बाप, बर्तन छोड़ना पड़। देखिए ये भी आ गए। ओह ओह ओह, क्या मम्मी का बच्चा बोलो। क्या मम्मी का बच्चा? मैं मम्मी को बोल रही हूँ। हस्बैंड का फोन आ गया था इसलिए उनसे बात करने लगी स्पीकर ऑन करके, क्योंकि अगर ये मोबाइल मैं निकालती हूँ, इससे बड़ी मुश्किल से टिका के रखा है मैंने, तो ये मोबाइल अगर निकालती हूँ ना तो फिर सेट करना मुश्किल हो जाता, तो इस करके स्पीकर ऑन करके बात करी। और वो फ्रिज पे आप ध्यान मत देना फ्रेंड, वो वहां पे जो भी है ना बर्तन धोने पे ना छींटा पड़ते पड़ते पूरा जंग लग गया है। वैसे भी ये फ्रिज बहुत ही पुराना, मुझे लगता है जब स्टार्टिंग हुआ था ना ये वाला, मतलब सबसे उस समय का लेटेस्ट डिजाइन है फ्रिज का, तो उस टाइप से इस करके उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी फिलहाल आप जो भी देख रहे हैं ना घर में, जिस टाइप का भी देख रहे हैं, वो हम किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं कर सकते। रीजन बहुत है, सो रीजन तो आपको पता चलेगा। चलिए फिलहाल मैं ये बर्तन धो लेती हूँ और जो है सोयाबीन और आलू का पुलाव चढ़ा देती हूँ। कुछ भी नहीं है, दाल उल सब खत्म है, अब लिस्ट लिख कर देना पड़ेगा नीचे। उस दिन मैं सिर्फ मसाले यही सब लेकर आई थी, साबुन चावल यही सब लेकर आई थी, बाकी और कुछ लेकर नहीं आई हूँ। तो सोयाबीन आलू का पुलाव बना देती हूँ जल्दी जल्दी और पहले ये साफ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद और बिना लहसुन प्याज का बनाऊंगी, क्योंकि ठाकुर जी को भी तो भोग लगेगा ना। और फिलहाल ये बर्तन धो के निकाल देती हूँ।
ने किचन अच्छे से साफ कर लिया है और अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू सोयाबीन का पुलाव। बहुत ही सिंपल पुलाव है क्योंकि मेरे पास जो भी है टमाटर अदरक हरी मिर्च ये सब कुछ भी नहीं है, जस्ट सोयाबीन है और आलू भी ख़त्म था, तो चार पांच जो आलू था मैं वही यूज़ करूँगी। तो उसके लिए मैंने डेढ़ गिलास के लगभग चावल लिया है, ये अरवा चावल है, नॉर्मल चावल है, बासमती टाइप का चावल नहीं है। तो बस इसी का मैं बनाऊंगी और इसका भी पुलाव काफ़ी अच्छा बनता है, बिल्कुल ही खिले खिले चावल बनते हैं, मतलब एक एक दाना अलग रहता है इसका भी। तो मैं जो भी बर्तन यूज़ कर रही हूँ, ऐसा मेरे कन्हैया के भोग में जो यूज़ होता है वही सब बर्तन यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तीन चार आलू लिया है, तो इसको छील लूँगी और वो जो चूल्हे पे मैंने चढ़ा रखा है डोंगा, तो उसमें सोयाबीन है, तो सोयाबीन को पहले उबाल लूँगी और दो तीन पानी से वॉश करने के बाद मैं यूज़ करूँगी। और ये इस कुकर में मैंने लिया सरसों का तेल, तो फ्रेंड हंसना मत, सरसों का तेल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि घी भी ख़त्म है, रिफाइंड भी ख़त्म है, तो इसलिए सरसों का तेल यूज़ किया है। तो इसमें ऐड किया है ज़ीरा, साबुत मिर्च और तेज़पत्ता, और इस कौली में मैंने मिक्स किया हुआ था मसाला जिसमें कि हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और मिक्स मसाला था, और उसको डालने के तुरंत बाद मैंने सोयाबीन और आलू ऐड कर दिया, नहीं तो मसाला जल जाता। और इसको मैं एक से दो मिनट तक अच्छे से भूनूंगी ताकि मसाला पक जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए, और उसके बाद मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। तो चावल वॉश करने के बाद मैंने इसे 10-15 मिनट रखा था राइस को, तो ये थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा फूल गया है, तो इससे भी ना पुलाव काफ़ी अच्छा बनता है अगर आप राइस को 10-15 मिनट वॉश करके सोख होने के लिए रख देते हैं ना, तो इससे भी राइस बहुत ही अच्छा बनता है। तो बस मैं वही ऐड करूँगी और डेढ़ गिलास चावल है, तो डेढ़ गिलास चावल में मैं तीन गिलास पानी ऐड करूँगी और थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करूँगी क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा गीला बनाना है। गीला इसलिए बनाना है क्योंकि इसके साथ लेने के लिए और कुछ भी नहीं है, दही दाल या चटनी वगैरह कुछ भी नहीं बना रही, तो इस करके मैं इसको थोड़ा सा गीला टाइप का बनाऊंगी। तो ये भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, जिस टाइप से मैं बना रही हूँ ना इस टाइप से आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल रेसिपी है और टेस्टी भी लगता है, आप इसके साथ रायता चटनी कुछ भी ले सकते हैं, तो मेरे पास तो है नहीं तो इस करके ये सिंपल ही बना रही हूँ। तो इसमें मैंने तीन गिलास पानी ऐड किया था और थोड़ा सा उबाल आने के बाद मैं इसको ढक्कन लगाऊंगी, दो या तीन विजल आने के बाद इसको मैं बंद कर दूंगी। तो मैंने यहाँ एक कुकुम्बर लिया है, इसको मैं छील के रख लूंगी, और ये एक कान्हा की थाली है, इसी में मैं मेरे कन्हैया को भोग लगाती हूँ, तो मैंने खीरा काट के रख दिया था। और देखिए पुलाव कितना अच्छा तैयार हुआ है, थोड़ा सा है जैसा मुझे चाहिए था, गीला गीला वैसा तो है लेकिन चावल बिल्कुल ही अलग अलग हुए पड़े हैं, बहुत ही अच्छा है, सोयाबीन भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और आलू भी सॉफ्ट है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया है, कन्हैया के भोग में मैं थोड़ा सा गुड़ ज़रूर रखती हूँ और ये गुड़ अलग से ही रखी रहती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे इन सबको गुड़ पसंद नहीं होता, मैं ही जो भी प्रसाद में बचता है तो मैं ही गुड़ लेती हूँ। तो बस ये है मेरे कान्हा की थाली और अब मैं जा रही हूँ तेजस और यशवीर की प्लेट लगाने। तो अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अरेंज किया है हॉल को, तो थोड़ा साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है लेकिन मैंने झाड़ू नहीं लगाया। तो यशवीर को जैसे कि आपको पता है कि इसको मैं ही खिलाती हूँ, डांटने पर ये मेरा बच्चा रोने लगता है, इस करके मैं उसको डांटती नहीं कि जितना ये खाएगा नहीं उतना ये रोएगा, तो इस करके मैं इसको खिलाती हूँ और साथ ही साथ मैं भी खा। अभी कपड़े जो हैं सारे सरफ में डाल दिए मैंने, अब थोड़ी देर कितना टाइम हो रहा है पहले तो टाइम देख लूँ,
3 बज रहे हैं, 15 मिनट के बाद जाऊंगी, मतलब आधे घंटे के, तो आधे घंटे के बाद जाऊंगी। और कपड़े जो हैं स्कूल के हैं इसलिए धो रही थी, नहीं तो फिर मैं धोती नहीं छोड़ देती। स्कूल की ड्रेस है तो कल लगा, तो बच्चों को बहाना मिल जाएगा कि मम्मी कपड़े नहीं धोई, और जाकर नीचे दादू को शिकायत लगा देंगे। तो इससे अच्छा है कि थोड़ी मेहनत लगेगी, कपड़े धो लेती हूँ। एक मिनट में फ़ैन बंद करती हूँ तो फ़ैन की आवाज़ आएगी। आने के बाद ना मतलब बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। एक होता है कि 10-15 मिनट रिलैक्स होके थोड़ा आराम करती, जरा भी आराम नहीं मिला। मुझे लग रहा है 12:15 या 12 बजे के लगभग मैं घर पहुंची हूँ, और देखी ना जब घर का ये हाल, तो मैं कहा हो गया मेरा काम खराब। क्योंकि आयशा का रोज़ा चल रहा है ना, तो उसको तो मैं अब कुछ बोल भी नहीं सकती। अगर रोज़ा नहीं चला होता तो मैं फ़ोन करके ज़रूर पूछती कि आयशा क्यों नहीं आई, क्या बात है, कम से कम बोल तो देती कि आंटी नहीं आऊँगी। लेकिन उसका रोज़ा चल रहा है तो मैं उसे फ़ोन भी नहीं की। तो घर बिल्कुल ही ख़राब पसरा हुआ है अभी भी। किचन मैंने सेट कर लिया, आपने देखा कि बर्तन बहुत सारा था, तो वो सभी मैंने धो लिए। झाड़ू लगाना है कान्हा के रूम में, मतलब इस रूम को मैं कान्हा का ही रूम बोलती हूँ। इस रूम में मैंने सुबह झाड़ू लगा दिया था, और अभी कल अक्षय तृतीया था ना, तो कान्हा को 21 दिन का चंदन श्रृंगार होगा, तो उतना तो मैं नहीं कर पाती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि सारा काम जल्दी जल्दी होता है, तो कान्हा को भी जल्दी ही नहलाना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत होता है माथे पे, हाथ पे, और इस जगह चंदन लगाकर और कुमकुम से श्रृंगार कर देती हूँ, और जो भी भोग होता है सवेरे, जो भी फटाफट जो बन पाता है वो मैं उनको भोग लगा देती हूँ। और आई हूँ तो सोयाबीन आलू का, जो आपने देखा ही पुलाव बनाया, जो था मेरे पास अवेलेबल उसी का पुलाव बना दिया, और सही में बहुत टेस्टी बना। क्योंकि मैंने देखा जब भी मैं कान्हा का प्रसाद किसी भी रूप में बनाती हूँ ना, तो बहुत अच्छा बनता है, तो बहुत ही अच्छा बना था। अब कपड़े हैं तो उसको मैं आधे घंटे बाद धोऊंगी, और धो लूँगी ना तो ड्रेस है सूख जाएगा, क्योंकि धूप बहुत तेज है, और छत पर जाकर डाल दूँगी तो फटाफट सूख जाएगा। या तो नीचे भिजवा दूँगी प्रेस के लिए, या फिर रात को मुझे टाइम लगेगा तो मैं प्रेस करके रख दूँगी। अभी मुझे अलमीरा भी ऑर्गेनाइज करना है, तो मुझे नहीं लगता कि आज मैं अलमीरा ऑर्गेनाइज कर पाऊँगी, क्योंकि 10-15 दिन पे ना अलमीरा को ऑर्गेनाइज करना ही पड़ता है, और मेरे पास बेचारा इकलौता अलमारी है, तो उसी में मुझे चारों जन के कपड़े रखने पड़ते हैं, तो उसको कुछ ज़्यादा ही वो ख़राब हो जाता है, तो उसको भी ठीक करना है। तो बस कॉलेज से, स्कूल से आने के बाद यही सब काम आज मेरा हुआ। तो हर किसी की प्रॉब्लम होती है, उसकी भी प्रॉब्लम है इसलिए नहीं आई, वैसे आ जाती है, छुट्टी नहीं करती है। अब रोज़ा आपको पता ही है, जो भी रखते हैं या जिनको पता है रोज़ा के यार, उनको पता ही है कि सुबह 3:30 बजे के बाद से मुँह में मतलब थोड़ा सा भी पानी, क्या ये जो थूक होता है ना लार्ज जिसको बोलते हैं, वो भी गले के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर वो चला गया तो रोज़ा टूट जाता है, बहुत हार्ड वर्क मतलब फास्ट है, इसलिए मैं उसको कुछ भी नहीं बोल सकती, और बोलने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। आएगी तो जितना हो सकेगा कल करेगी काम, नहीं करेगी तो मैं खुद ही कर लूँगी, 1 महीने की तो बात है ही, और उसके बाद फिर आएगी सुबह शाम। अभी फ़िलहाल एक ही टाइम आ रही थी, तो रोज़ा ख़त्म हो जाएगा तो 1 महीने सुबह शाम आया करेगी। तो बस यही था मेरा स्कूल से आने तक का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और देख लीजिए मेरे तो वैसे ही 12 बजे हुए हैं। अब मैं बाहर ही बैठ के कपड़े धोऊंगी, मैं बाथरूम में नहीं जाऊंगी कपड़े धोने के लिए। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। वैसे मेरे पास ना 10 टॉपिक जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसपे कि मुझे वीडियो बनाना है, मैं नहीं बना पाती, तो मैं बनाऊँगी, उन सभी टॉपिक को ख़त्म करूँगी, तो धीरे धीरे ही बनेगा ना। तो बस अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सभी बहुत खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, बाय।